अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाजिया खान। कैसे हैं? पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह आपके रोज़े एकदम अच्छे जाए, सुकून से जाए। आज मैं बना रही हूँ वाटरमेलन का शरबत, बिल्कुल सिंपल और सादा। उसके लिए सब्जे के बीज हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे अभी। और ये वाटरमेलन को मैंने छोटा छोटा कट कर ली हूँ। इसको मैं पानी में भी बनाऊंगी और मिल्क में भी बनाऊंगी। तो अब देखो कैसा बनाती हूँ। ये ग्लास है और ये रूअफ़ज़ा है। ये रूअफ़ज़ा को थोड़ा सा करती हूँ, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसमें डालेंगे ये एक चम्मच, दो चम्मच ये वाले रूह अफ़ज़ा, वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो कितना चाहिए। और ये मिल्क है, इसमें डालूंगी फिर ये सब्जे के बीच, एक दो दो चम्मच डालेंगे इसको। वाटरमेलन इतना मजे का लगता है ना ये रमजान में, ठंडा ठंडा। ये देखो तो फ्रिज का ही मिल्क है। ये एकदम इजी रेसिपी है, ये बच्चे लोग भी बना लेंगे ऐसे, बहुत फायदेमंद है ये। ये ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर दो, इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी ये देखो ये बन गया। अब बताती हूँ इसमें सिंपल, क्योंकि लोग ज्यादा कोई कोई मिल्क नहीं पसंद करते ना। ये लो इसमें एक दो, ये ज्यादा अच्छा लगता है पानी में। और ये वाटरमेलन जितना डालने का, इसको छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने पीसेस कर लिए इसका। तो ये जब खाने में पीने में जब ये आते हैं ना, इसका क्रंची क्रंची तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें जाएगा थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, वही सेम दो टेबल स्पून ना। इसमें शुगर नहीं करना, जैसे आपके हिसाब से रखना, ज्यादा चाहिए आपको तो थोड़ा ज्यादा कर लो, नहीं तो थोड़ा बस इतना बहुत हो जाता है इतना। और ये है इसमें एक गिलास पानी, इसको भी इसमें वो कर लो ना गिलास से ही ठंडा पानी। इसमें आइस क्यूब डाल देना, इसको तो मैं तो अभी फ्रिज में रख दूंगी। आप लोग अगर बहुत जल्दी है आप लोग को तो आइस क्यूब डाल दो। मैं तो उसको सुबह में बना के ऐसा रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, शाम को इफ्तारी के टाइम तक एकदम अच्छा हो जाता है ये। एकदम बहुत अच्छा है ये, अभी गर्मी बहुत हो रही है ना, पेट के लिए बहुत अच्छा ठंडक है, इसलिए बनाएंगे कि दो। ये मिल्क वाला, काफी लोग मिल्क वाला पसंद करते हैं ऐसे, और काफी लोग ऐसे वाटर वाला जो पानी है ना सादा वाला। तो ये इसमें पानी और चला जाएगा थोड़ा। ये देखिए कितनी सिंपल सोबर, हाँ कितनी जल्दी बनने वाली ये दो ड्रिंक है। जिसको मिल्क नहीं चाहिए वो ये पानी वाला ले लो, जिसमें वो सादा। ये भी बहुत अच्छा है, हेल्थी है, दोनों बहुत हेल्थी हैं। ये मिल्क वाला कैसा लगा आपको? ये मेरी ये रमजान स्पेशल आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, कैसा लगा आपको बताना मुझे। गलती हो तो माफ करना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने अल्लाह का करम रहा और आपकी दुआएं, तो ऐसी रेसिपी बनाती रहूंगी, डालती रहूंगी। ठीक है, ये देखिए इंजॉय करिए इसको। अभी फ्रिज में चले जाएंगे, मैं इसको बना के रख देती हूँ, फिर शाम को निकलते हैं, मतलब अफ्तारी के टाइम। सुबह में बना के रख दो इसको, कुछ नहीं होता है, तो दोपहर में बना के रख दो, ठंडा हो जाता है। और अब तभी नहीं बना सकते तो आप जब आपको जब अफ्तारी के टाइम बनाना है तो इसमें आइस क्यूब डाल दो फटाफट, तो उससे अच्छे बन जाएंगे।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए।